गुड मॉर्निंग, टुडे 6 नवंबर 2018 और आप सभी का स्वागत है डीएनए में, दैट इज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज की हेडलाइंस कौन कौन सी और कौन कौन से न्यूज़ को हम लोग आज प्रमुखता से देखने वाले हैं। पहला न्यूज़ होगा जो हम लोग देखेंगे, गवर्नमेंट वांट टू मोर आरबीआई सरप्लस और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट मैंने कल के डीएनए में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया था। तो वही जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट है जो अभी ट्रेजर में रखी हुई आरबीआई की, वो गवर्नमेंट चाहती है उसको वापस मिले। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। N-Triad, ये न्यूक्लियर ट्रायड से रिलेटेड है और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल जैसे चीजों की वर्ड आप सुनते होंगे न्यूज में। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल आखिर होती क्या है, ये क्रूज मिसाइल होती क्या है, ये एक दूसरे से अलग किस तरीके से काम करती है, इनके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। गवर्नमेंट टू सेल स्मॉल फर्म टू द प्राइवेट कंपनी, ये जो ऑयल से रिलेटेड जितनी कंपनी है छोटी छोटी उसको सेल करने वाली, और ऐसा क्यों करेगी वो भी हम लोग देखेंगे। यूएस सैंक्शन जो कि ईरान लगाई थी उसमें जो है कुछ कंट्रीज को जो है वेवर मिला है, उसमें एक इंडिया भी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन होने वाले, ये कैसे काम करती है, इसको कौन रेगुलेट करता है और उसके अलावा कौन कौन सी बॉडी होती है जो इलेक्शन करवाती है, इसे भी हम लोग पूरे डिटेल में आज देखेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता रखा है, तो आज एक्सप्लेन पेज में इसके बारे में बताई गई है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, तो इसे आज हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। IRDAI, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो कमीशन होती है हमारे कंट्री में, वो इंश्योरेंस रिलेटेड जो काम करती है, तो उसके बारे में, इसकी वर्किंग बॉडी के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो 9वीं आर्टिकल जो होगी उसमें हम लोग देखेंगे नेट न्यूट्रलिटी, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा कि नेट न्यूट्रलिटी क्यों होता है, क्यों आया और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो फिनो बैंक है इस पे आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, तो आरबीआई फाइन क्यों लगाती है, कैसे लगाती है, इन सब मुद्दों को भी हम लोग समझेंगे। और अगर टाइम बचा तो हमारे पास कितने फंड होते हैं वो फंड को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड हो गया, पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया, तो इसे भी अगर टाइम बची तो हम लोग साथ में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, इतने पूरे आर्टिकल हम लोग आज देखेंगे। ये देखो सबसे फ्रंट में जो लेफ्ट साइड में न्यूज़ दिख रही है उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट चाहती है, अभी देखो आरबीआई के पास जो मैंने बताया था वो सरप्लस जितनी हुई अमाउंट वो कितनी है, 9.56 लाख करोड़ रुपये जो है आरबीआई के पास पैसे हैं। इसमें से गवर्नमेंट क्या चाहती है, इसमें से गवर्नमेंट चाहती है कि 3.6 लाख रुपये जो है वो जो है आरबीआई किसको दे दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दे। और ये जो 3.6 लाख रुपये हैं, ये 3.6 लाख रुपये गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों साथ मिलकर इसको डिसाइड करेगी कि इसका जो कहां पर खर्च करना है। लेकिन आरबीआई क्या कह रही, आरबीआई कह रही कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अभी वहां के जो वाइस गवर्नर थे उन्होंने ये अर्जेंटीना का भी एग्जांपल देकर बताया कि अर्जेंटीना में ऐसा ही हुआ था और वहां लगभग 6.6 बिलियन वहां के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या की, वो जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है उसमें पास कर दी पूरी की पूरी पैसे, और वहां का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए जो है ये आरबीआई के जो गवर्नर है बोल रहे मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ये जो गवर्नमेंट है ये क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि इस फंड का जो हम लोग जो है मिलकर डिसाइड करेंगे, मतलब ऐसे में डिसाइड करेंगे जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको रिकैपिटलाइज करने में, या फिर जो कोई भी ऐसी बैंक है जिसको लोन का एक्सपेंडिचर बढ़ाने में उसकी मदद की जाएगी, या फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो लिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। पीसीए मैंने आपको समझाया था कि बहुत से सारे बैंकों को आपको जो है डिफरेंट सब्सिडरीज नहीं खोलना है, आपको दूसरा ब्रांच नहीं खोलना है, आपको मतलब एक लिमिट के बाद किसी को लोन नहीं देना, ऐसे ऐसे बहुत बैंक पे जो है सैंक्शन लगे हुए, तो वो सारे सैंक्शंस को हटाने में जो है इस पैसे की मदद की जाएगी वो पब्लिक सेक्टर बैंकों की, ये जो है गवर्नमेंट का कहना है। और ये जो है देखो 2017-18 में ये जो है आरबीआई ने ट्रांसफर की थी वो कितनी ट्रांसफर की थी, 50,000 रुपए जो यहां पर आप देख रहे हो सरप्लस ऑफ ₹50,000 करोड़ और इसमें उससे पहले जो है 30,659 करोड़ मतलब 16-17 में इसने आरबीआई ने गवर्नमेंट को दी थी अपनी सरप्लस अमाउंट। तो कंपेयर टू द ग्लोबल सेंट्रल बैंक द आरबीआई होल्ड्स मच हाई, और गवर्नमेंट का यह भी कह रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे कि अर्जेंटीना ले लो, फ्रांस ले लो, सिंगापुर ले लो, ये सारी कंट्री यूएस यूके जितनी भी कंट्री है ये इसकी जो सेंट्रल बैंक होती है जितने पैसे अपने पास
पास रखती है बचाकर, उसके मुकाबले इंडिया की जो आरबीआई है वो बहुत ज्यादा पैसे अपने ट्रेजर में रख रही है और उस पैसे का जो है यूज किया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे तो। अब आरबीआई किससे ज्यादा, आरबीआई क्या सबसे ज्यादा पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आरबीआई ही पैसे रखती है? नहीं, इसके अलावा जैसे नॉर्वे हो गया, रसिया हो गया, वो इंडिया से भी ज्यादा वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे को रखती है। तो आरबीआई मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ रिजर्व्स, आरबीआई के पास जो है बहुत डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स होते हैं। जैसे यहां पर बताया गया कंटिंजेंसी फंड हो गया, एसेट डेवलपमेंट फंड हो गया, करंट करेंसी एंड गोल्ड हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, इतने डिफरेंट टाइप के फंड होते हैं और उसमें अलग अलग तरीके के पैसे वहां पर रखे हुए होते हैं। तो व्हाइल कंटिंजेंसी फंड का क्या काम होता है, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है कि आपातकालीन ऐसी कुछ इमरजेंसी आ गई तो वैसी स्थिति अगर हमारे देश में कुछ आ जाए, कुछ अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेस आ जाए तो उसमें जो है कंटिंजेंसी फंड में जो पैसे रखे हुए आरबीआई के वहां से उसको निकालकर यूज किया जाता है। और साथ ही साथ वैसे करेंसी और फिर गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो वहां पर पैसे होते हैं या फिर अमाउंट होते हैं उसको किस चीज में यूज किया जाता है, उसको अनरियलाइज्ड मार्केट्स टू द मार्केट गेन एंड लॉस, मतलब मार्केट कभी इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, इन सब चीज को संभालने के लिए ये जो गोल्ड हो गया या फिर करेंसी में जो पैसे रखे हुए इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, किससे, करेंसी एंड गोल्ड फंड में जो पैसे रखे होते हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप के मतलब यहाँ पर फंड होते हैं और आरबीआई उसको काम करती है। तो अभी देखते हैं कि फाइनली क्या होता है, गवर्नमेंट जो है इस पर प्रेशर बना रही है। दूसरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कल क्या आया कि न्यूक्लियर ट्रायड इन अ प्लेस टू सबमरीन, मतलब क्या कि हमारी जो है ये जो न्यूक्लियर ट्रायड था वो जो मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी टू लैंड एयर बेस्ड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फॉर द न्यूक्लियर वेपन, मतलब हमारी जो सबमरीन थी उसमें वो क्या चीज, उसमें न्यूक्लियर वेपन के साथ वो जो पूरी मतलब हम लोगों जो है वो कैपेबल हो गए। तो इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैड कंप्लीटेड अ मैडन डिटरेंस पेट्रोल, मतलब पहली जो है न्यूक्लियर के साथ जो ये कंप्लीट डिटरेंस और पेट्रोलिंग की काम कर ली। और हमारे प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे कि ये ऐसे देशों के को ये खुली चेतावनी है जो हमारे दुश्मन है और जो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे मतलब इंडिया पर जो है वो मतलब एटॉमिक वॉक कर दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों प्रधानमंत्री बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ही बढ़ गई है। अब मतलब इसका मतलब होता क्या है, ट्राइड मतलब इसका मतलब ये होता है कि डिलीवर ए न्यूक्लियर अटैक बाय लैंड, मतलब अब हम जो है न्यूक्लियर अटैक लैंड से भी कर सकते हैं, सी रूट से भी कर सकते हैं और एयर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तीनों ही जगह से कर सकते हैं अब न्यूक्लियर स्ट्राइक। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे ट्राइड बोला जाता है। जिसे लैंड बेस्ड से जिससे हम लोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जो लैंड से कहीं और छोड़ी जाती है। अगर कोई पानी से समुद्र के जहाज से छोड़ी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सी बेस्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और अगर कोई जैसे कि अब मिसाइल से देखते हो, फ्लाइट से जो जेट से छोड़ी जाती है वो उसको क्या बोलते हैं, एयरबॉर्न स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, मतलब तीनों के तीनों अब हमारे पास जो कैपेबिलिटीज अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास आ गई है। द कंट्री कुड सर्वाइव सरप्राइज फर्स्ट स्ट्राइक, मतलब हमारी पॉलिसी क्या, हमारी पॉलिसी है कि हम कभी भी किसी पे पहली बार स्ट्राइक नहीं करेंगे, कोई हम पर हमला करेगा तभी करेंगे। तो ये कोई जब हमला करेगा तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसे मान लो कि हमारी पूरी न्यूक्लियर वेपन मान लो दिल्ली में रखी हुई है और चाइना को ये बात पता हो गई तो चाइना जो है डायरेक्ट क्या कि दिल्ली पर ही अटैक कर दी अपने देश से, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल से। तो हमारी जितनी न्यूक्लियर यहां पर रखी हुई थी एनर्जी सारी की सारी खत्म हो गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे पास ट्राइड कैपेबिलिटी आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास तीन लेग हैं। अगर वो कहीं पर आकर यहां पर दिल्ली में अटैक कर भी देती है तो हमारे दो लेग जो होते हैं सेफ होते हैं और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट, मतलब वो अटैक यहां पर हुआ और हमारे ऊपर जैसे बम्बार्ड हुए यहां विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम इस दोनों की मदद से हम जहां से वो वार हुआ था, जहां से वो बम्बार्डमेंट हुआ था वहां पर तुरंत हम भी लॉन्च कर सकते हैं एटॉमिक वार को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्राइड कहते हैं और तुरंत के तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। और ईच लेग जो होता है ट्राइड का सपोज टू बी लार्ज इनफ टू हैव अ डिटरेंट इफेक्ट, मतलब कि ऐसी बात नहीं कि कोई अगर हमारे ऊपर हमला कर दे तो हम जो पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाएंगे। हमारी जो ईच लेग जो मैंने ट्राइड की बताई उसमें जो है डिटरेंट इफेक्ट भी, अभी हमने जो S-400 खरीदा रसिया से उसका क्या काम था, उसका यही काम था कि अगर कोई जो है कोई बाहर के देश हम पर हमला करता है और वो हवा में ही मिसाइल रहती है तो हम उसको हवा में ही निरस्त कर देंगे, उसे अपनी कंट्री के बाउंड्री में आने ही नहीं देंगे। तो ऐसी जो कैपेबिलिटी होती है वो हर जगह इस ट्रायड में लगी हुई होती है तो हम पर कोई हमला भी नहीं कर सकता। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट उभर कर आता है कि
ये जो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, देखो बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो कि ट्रैजेक्टरी के साथ छोड़ा जाता है, मतलब जैसे आप किसी भी अपने राइफल से या पिस्टल से जब बुलेट को छोड़ते हो तो उसमें क्या होता है कि मतलब इनिशियली जिस पे जिस प्रेशर के साथ और जिस फोर्स के साथ छोड़ा जाता है वो उसी फोर्स की मदद से आगे बढ़ता बढ़ता हुआ और कहीं स्ट्राइक पर जाकर वो लग जाता है। उस पर तो ऐसे नहीं होती कि बुलेट के अंदर कुछ बैटरी है या फिर इलेक्ट्रिक की कुछ सामान रखी हुई है, वो चार्ज होता रहेगा और मतलब भागता जाएगा या फिर उसमें कुछ फ्यूल, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जितना प्रेशर के साथ यहां छोड़ा जाता है और जितनी उसको इंटरनल मतलब इनिशियल एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को गेन करके वो स्ट्राइक डाउन करता है। तो सेम होती है बैलिस्टिक मिसाइल भी। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको जितने प्रेशर और जिस ट्रैजेक्टरी से छोड़ते हैं वो उसको मतलब यहां की ग्रेविटी को लेते हुए वो आगे बढ़ता है ऐसे बढ़ते बढ़ते, और वो हमारे सराउंडिंग मतलब अर्थ के सराउंडिंग को पहले पार कर जाता है ऐसे मतलब 45 डिग्री पे पार करने के बाद वो वापस नीचे आता है और जहां पर उसकी टारगेट हम लोग सेट करते हैं उसी टारगेट पे जाकर वो मतलब हिट कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल वो होती है जो सामने टू सामने मतलब ये जैसे कि 45 डिग्री ट्रैजेक्टरी में काम करती है, क्रूज मिसाइल एकदम सामने टू सामने काम करती है। मतलब वार फील्ड में अगर हम और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रही है और मुझे सामने दिख रही है कि पाकिस्तान की सेना खड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन में जिस मिसाइल का यूज करेंगे छोड़ने के लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं मिसाइल के जो आपको जानने थे। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया कि लेट ओएनजीसी फोकस ऑन इट्स बिग फील्ड। मतलब बिग फील्ड मतलब ये हुआ कि हमारे जो पेट्रोल मिनिस्टर हैं वो प्लान कर रहे हैं लगभग 149 ऐसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है जो कि स्मॉल और मार्जिनल फील्ड है, और मतलब हमारी जितनी प्रोडक्शन होती है पूरी कंट्री में 95% जो प्रोडक्शन होती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो जो की जाती है वो 60 लार्ज फील्ड मतलब जो बड़े बड़े फील्ड हैं 60 हैं, और बाकी जो 149 फील्ड है ये सिर्फ 5% हमारी एनर्जी को मतलब वो सस्टेन कर पाती है। स्मॉलर फील्ड कंट्रीब्यूट टू द मोर देन 5% के आसपास ही कंट्रीब्यूट करती है, और ये 60 मिलकर 95% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा प्लानिंग इस तरीके से चल रहा है कुछ कि हम लोग ये जो 5% का काम है इस पे एनर्जी बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है हमारी, तो इसको क्या करें किसी प्राइवेट फर्म को बेच दें। ये जो 140 छोटी छोटी कंपनियां हैं इसे किसी प्राइवेट फर्म में बेच दें और प्राइवेट कंपनी अपने अकॉर्डिंग इसे चलाएगी जिस तरीके से काम करेगी, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस इस 60 पे जो बचे हुए हैं जो हमारी एनर्जी यहां पर सेव होगी 140 में जो वेस्ट हो रही है उसको हम लोग इस 60 में लगाएंगे और इसमें नए नए टेक्नोलॉजी हो गया एडवांसमेंट हो गया ये सारी चीजों को करेंगे ताकि हमारी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बूस्ट हो। तो ये प्लानिंग जो है वाइल और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हमारे कर रहे हैं, और इसके लिए जो है एक प्रेजेंटेशन हमारे प्रधानमंत्री को भी दिया गया। मिजोरम सीएम राइट्स प्राइम मिनिस्टर वांट्स सीईओ टू गो। मतलब जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या लिखे हैं, एक चिट्ठी लिखे हैं, और उसमें ये क्या बोलते हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जो स्टेट के उसको यहां से हटा दिया जाए। तो अब देखो इलेक्शन होता कैसे, इलेक्शन कैसे होता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके बारे में जिक्र हमारे आर्टिकल में कहां है, उनकी जिक्र जो है आर्टिकल 324 में की गई है जो कि पार्ट किस में हो गया, ये पार्ट 18 में है। ठीक है, ये पार्ट 18 में हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में वहां पर जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कौन-कौन से जगह पे मतलब वो इलेक्शन करवाती है, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं इसके साथ, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और कुछ रीजनल कमिश्नर भी होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो जो रीजनल कमिश्नर होते हैं किसी स्टेट में इलेक्शन की देखरेख करने वाली वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जिसे हम लोग जानते हैं वो जो है रीजनल मतलब स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को डिसाइड करते हैं कि आप जाके किसी स्टेट में जाकर आपको क्या करना है, वहां पर इलेक्शन को सक्सेसफुली करवाना है। इनकी जहां तक बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, सीआईसी की बात कर रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर
कमिश्नर की टेन्योर कितने साल की होती है, इसकी 6 वर्ष की होती है, 5 वर्ष नहीं होती, कंफ्यूज नहीं होना, 6 वर्ष की होती है। और साथ ही साथ अगर ये 65 वर्ष के हो जाए तो फिर इनकी टेन्योर खत्म हो जाती है। लेकिन ये तो होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात, इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर जो रीजनल कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर अपने से चूज करते हैं किसी स्टेट के लिए रीजनल कमिश्नर, इनकी टेन्योर कितनी होती है, इनकी टेन्योर जो है वो डिसाइड की जाती है किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, इनकी टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं होती है। जहां तक मैंने बात बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का क्या फंडा है, देखो पहले क्या होता था, ये देखो 1950 से लेकर 1989 तक जो थे सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे हमारे देश में। उसके बाद क्या होता था कि 16 अक्टूबर 1989 में यहां पर क्या कर दिया गया, इसमें 2 और मेंबर को जोड़ दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा अब इलेक्शन कमिश्नर भी होने लगे। उसके बाद जो है 1990 में इनको फिर से हटा दिया गया और फिर 1993 में ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है फिर से इन्हें ले आया गया। मतलब अभी की क्या पैरामीटर, अभी हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और साथ ही साथ इनको सपोर्ट करने के लिए 2 क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं। और वैसी स्ट्रेटेजी जहां पर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में मतलब डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पर वोटिंग होती है और जो मेजोरिटी जिनकी वोट जिस पर पड़ती है वही चीजों को लागू की जाती है। तो इतनी बातें आप समझ गए। और जहां तक बात है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 3 पावर है, 3 कैटेगरी में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरी एडवाइजरी है और तीसरी क्या है, तीसरी क्वासी ज्यूडिशियल है। मतलब ये कुछ ऐसे चीजों को एडमिनिस्ट्रेटर भी वहां पर कर सकते हैं जैसे देख रेख होना, पेट्रोलिंग करना। दूसरी बात एडवाइजरी, बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस है जो कि एडवाइज कर सकते हैं कि आपको ये चीजें करनी है, आपको इतने दिनों तक अपना पब्लिसिटी करना है, आपको मतलब पर्टिकुलर इतने ही पैसे तक आपको खर्च करने हैं इलेक्शन में, ये सारी चीजें एडवाइस देती है। और साथ ही साथ क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी भी होती है, वैसी चीजें जो कि मानो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीआरपीसी में नहीं लिखी हुई है और ऐसी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिनको उनको खुद से डिसीजन लेना पड़े तो वैसी स्थिति में ये ज्यूडिशियल एक्शन भी ले सकती हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उभर कर ये आता है कि कलेक्टर जो होते हैं किसी भी स्टेट में, जो कलेक्टर होते हैं वही एक्ट करते हैं कैसे, वो एक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, वो कैसे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं प्रत्येक हरेक जिले में, जितने कंस्टिट्यूएंसी होंगे हरेक जिले के कंस्टिट्यूएंसी में ये जो रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। और साथ ही साथ प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो कि वहां पर प्रत्येक स्कूल में या फिर जहां पर आप वोट देने जाते हो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उस मतलब पर्टिकुलर जगह को देखने वाले प्रेजाइडिंग ऑफिसर हर एक पोलिंग बूथ के लिए भी कौन डिसाइड करता है, ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करता है। इसे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, ये जो है किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो ये सारी चीजें आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलें तो नेक्स्ट हमें ये बताया गया कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि टाइगर की जो किलिंग हो रही थी, इसमें बताया जा रहा है कि टाइगर का जो पॉपुलेशन हमारे देशों में किस तरीके से, हर स्टेट का एक लिस्ट बताया गया और उसमें बताया गया कि स्टेबल है या फिर इंक्रीज किया। जैसे उत्तराखंड में 2010 में 227 टाइगर हुआ करते थे, फिर 2014 में ये जो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 340 हो गया। उसी तरीके से जैसे कर्नाटका में 300 हुआ करते थे 2010 में और वो बढ़कर जो है 2014 में 406 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो टाइगर की पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती चली गई है। प्राइवेट एफर्ट एट द लेजिस्लेशन हाउ दे आर मेड एंड हाउ, मैंने प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में आपको ऑलरेडी पूरे डीएनए में एक्सप्लेन करके बता दिया है कि वो कैसे काम करता है। तो मैं एक बार देख लेता हूं फिर से कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, कोई भी मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में सुषमा स्वराज जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो अगर मान लो प्रकाश जावड़ेकर कुछ ऐसी बिल को लाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो गवर्नमेंट बिल कहलाएगी, ठीक है, वो जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं कहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में इतने मिनिस्टर होने के अलावा भी बहुत ऐसे मेंबर्स हैं या फिर ऑपोजिशन में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, तो वो मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है अगर वो कुछ बिल को लाना चाहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। सिंपल यही है इसकी कॉन्सेप्ट। और इसके लिए क्या होती है, इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको 1 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा। नोटिस देने के बाद जो है ये डिसाइड किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन और अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कि आपकी जो बिल है आपने जो पास करने जा रहे वो इंट्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उनके द्वारा डिसाइड की जाती है। बाकी जो इसमें जो डिटेल है वो सब मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे एक बार वापस से रीड कर लेना। ये जो देखो एडिटोरियल पेज है, एडिटोरियल का डिस्कशन हमने सुबह मॉर्निंग 5:30 में डाल
डाल दिया है, तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमी पेज पे आओ तो यहां पर देखो IRDAI पैनल, मतलब IRDAI पैनल का क्या काम होता है। ये जो IRDAI पैनल होती है ये हमारे इंडिया में इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, और ये एक ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसका टास्क क्या होता है, ये रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जितने भी इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई या जितने भी इंश्योरेंस की कंपनी आप देखते हो, उनको रेगुलेट करना, उनको कैसे चीजों को काम करना है, वो सारी तौर तरीके जो है वो कौन डिसाइड करती है, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ये कंस्टिट्यूट किसके द्वारा की गई थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के द्वारा, जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में तेलंगाना में है, जो पहले जो दिल्ली में था बाद में से शिफ्ट करके तेलंगाना भेज दिया गया। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 10 मेंबर की बॉडी होती है। उसमें जो होते हैं एक चेयरमैन होते हैं, 5 कौन होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं, 5 हो, 1 6 हो गया, और बाकी जो 4 होते हैं वो किनके द्वारा, वो गवर्नमेंट के द्वारा पार्ट टाइम जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये टोटल 6 मेंबर हो गए यहां पर। उसके बाद इंश्योरेंस रिपोजिटरी का भी कांसेप्ट है, मतलब हमारे जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंश्योरेंस रिपोजिटरी का भी कांसेप्ट दिया। इसका मतलब ये कि जैसे आप कहीं पे इंश्योरेंस लेते हो तो आपको एक पेपर मिलता है, पेपर पे आप साइन करते हो, वो पेपर को आप रखते हो, जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है आप जाकर पैसे मांगते हो, ऐसे डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। तो यही चीजें को, मतलब जो आप पेपर पे कर रहे हो, कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रॉनिक करता है, मतलब पेपर की जगह डिजिटल करना चाहता है, तो डिजिटल उनको सारे सपोर्ट देना, उनको सारी सुविधाएं देना, और उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, मैनेज किया जाए, ये सारी चीजों को देखने के लिए कौन क्या बॉडी बनाई गई, इंश्योरेंस रिपोजिटरी बनाएगी, और यही जो है सब चीजों की देखरेख करती हैं। साथ ही साथ देखो, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये क्या होता है, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन सो एज टू एनहांस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब कंपटीशन होगा तभी सेटिस्फैक्शन होगा। मतलब क्या, अगर मान लो कि LIC ही सिर्फ अकेली रहेगी लाइफ इंश्योरेंस देने वाली बॉडी, तो इसमें क्या होगा कि थक हार के इसकी जैसी भी पॉलिसी होगी आप इसी को लेने जाओगे, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं। लेकिन मान लो LIC के अलावा बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस का कुछ फाइनेंशियल सर्विस हो गया, और भी XYZ हो गया, वो मान लो 10 ऐसे LIC के अलावा भी है। अगर LIC आपको जो है एक साल में अगर मतलब 10,000 रुपये रखते हो एक साल के लिए, और LIC आपको 12,000 रुपये बना के दे रही है, और वही मान लो कि रिलायंस की कोई बॉडी है और वो अगर आप 10,000 रुपये रखते हो और वो आपको 13,000 रुपये बना के रख रही है, तो इसमें क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, ऑप्शन मिलेगी, और ये कस्टमर पर डिपेंड करेगा कि वो किनकी इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं। और जब ये कॉम्पिटिशन होगी तो क्या होगी, ये बॉडी जो है ज्यादा बेटर वे में काम करेगी, उसकी मैकेनिज्म अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी। तो इसको जो है कंपटीशन एक प्रमोशन करने के लिए IRDAI इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और साथ ही साथ ये क्या करती है, इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट। ऐसा भी नहीं कर देना है रेगुलेट करते करते कि ये जितनी इंश्योरेंस की बॉडी है वो सभी मतलब डूब जाए, बर्बाद हो जाए। तो वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी वहां पर मेंटेन करती है कि आपके पैसे को लेकर कोई भाग नहीं जाए। जैसे आप सहारा इंडिया का नाम सुने, उसका उनके जो चीफ हैं उनको जेल हो गया था, बाद में उनको बोला गया आप जितने भी मेंबर हैं, जितने कस्टमर थे आपके, सबके पैसे को वापस करो, और वो धीरे धीरे करके सबके पैसे वापस कर रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी बॉडी की ही हमारी पावर हमारे कंट्री में, कि आपको एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो हम मेन काम रेगुलेट करने का करते हैं, और साथ ही साथ क्या, हमारे मतलब देश में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को भी क्रिएट करते हैं। तो यही काम जो किसके द्वारा, ये जो है IRDAI के पैनल के द्वारा। और कौन कौन सी चीजों को उसमें रखना है, कौन सी चीजों को निकालना है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीजें भी यही डिसाइड करते हैं। दूसरा देखो, एक कॉन्सेप्ट है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, नेट न्यूट्रलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये होता है कि मान लो कि आप जो, जैसे आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ, या फिर आप मोबाइल से जो इंटरनेट लेते हो, वो इंटरनेट आपके पास क्या आता है, आप मान लो कि फेसबुक खोलते हो तो फेसबुक खुल गया, आप ट्विटर खोलते हो ट्विटर खुल गया। अब मान लो कि मैं आपको एक ऐसा कंडीशन बताता हूं कि आप जो है पिज्जा ऑर्डर करना चाहते हो, और पिज्जा ऑर्डर करने के बाद आप चाहते हो कि मैं पिज्जा हट से जो आप जो चाहते हो डोमिनोज से पिज्जा मैं ऑर्डर करूं, ठीक है। डोमिनोज से जब आपने पिज्जा ऑर्डर किया, सब कुछ देखा, इसके लिस्ट को देखा, और जब आप पेमेंट करने गए, अचानक क्या हुआ, वो पेमेंट करने के वक्त वो जो है
पेज जो है वो क्रैश कर गई और वापस आपको फर्स्ट पेज पे भेज दिया। आप फिर से कोशिश किए, फिर से पेज जो है क्रैश कर गई और फिर से वापस फर्स्ट पेज पे भेज दिया, आप इरिटेट हो जाओगे। उसके बाद जो आपको दूसरा ऑप्शन क्या कि दिखेगा, पिज्जा हट, और पिज्जा हट में फिर आप जो है पिज्जा जब ऑर्डर करोगे तो यहां पर जब आप ऑर्डर करते हो, जब पेमेंट पेज पे गए, आपकी जो है एक क्लिक में ही वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और 30 मिनट के अंदर आपके पास पिज्जा आ गई। मतलब क्या हो गया कि आप चाहते थे डोमिनोज से मंगाना लेकिन आपको पिज्जा हट से मंगाना पड़ गया। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पेज क्रैश हो रहा था। तो ये जो पेज क्रैश हो रहा था, क्या ये अपने आप से हो रहा था या क्या इसे कोई और मॉनिटर कर रहा था, ये चीजें मॉनिटर भी की जा सकती हैं। मतलब कि आप जिस जहां से इंटरनेट ले रहे हो, आप इंटरनेट लेते हो पिज्जा हट या डोमिनोज का जो पेज खोलते हो, वो पेज कहीं से जो है रिट्राइव होती है इंफॉर्मेशन, और वो रिट्राइव होकर आपके मोबाइल पर आती है। तो यहां पर जो रिट्राइव करती है जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हो तो जियो की सर्विस आपको मिल रही है, आप एयरटेल यूज करो एयरटेल यूज करो, अगर बीएसएनएल है तो बीएसएनएल सर्विस प्रोवाइडर है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये जो डिसाइड अगर कर लें, अगर मान लो ये पिज्जा हट से पैसे ले लें, मतलब अगर पिज्जा हट जो है एयरटेल या जियो वाले को मान लो कि 100 करोड़ रुपए दे दिया और ये बोला कि आप मेरे पेज का प्रमोशन करो, तो आप जैसे ही पिज्जा ऑर्डर करना चाहोगे तो आपको फर्स्ट पेज पे क्या लिख के मिलेगा, पिज्जा हट मिलेगा, और डोमिनोज आप ढूंढोगे तो हो सकता है वो चौथे या पांचवें नंबर पर आपको मिलेगा। तो वैसी स्थिति में किसी एक पर्टिकुलर साइट का, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रमोशन नहीं करे, सब में एक अच्छी इक्विवेलेंट हो रहे, न्यूट्रलिटी रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, मतलब कोई आपको, कोई मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डिसाइड नहीं करे कि आपको क्या चीज़ें देखनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। मतलब मान लो कि अगर आप कुछ चीज़ों को कोई चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहते हो, और मान लो कि आप इंफॉर्मेशन चाहते हो आज का डीएनए टुडे एट क्लिक का देखना, तो आप अगर आज का देखोगे कि टुडेज डीएनए टुडेज मतलब 6 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो हो सकता है ये जो टुडे एट क्लिक है वो मतलब 10 पेज को क्लिक करने के बाद आपको मिले, है ना। और ऐसी स्थिति में कोई एक्स वाई जेड की अगर चैनल है, एक्स वाई जेड का चैनल का सबसे पहले आ जाए, तो ये सबसे पहले क्यों आ सकते हैं, एक तो ये एक नॉर्मल होती है जो कि मैकेनिज्म चलती है, और दूसरी क्या कि अगर एक्स वाई जेड जो है गूगल को पैसे दे दे, अगर मान लो कि 5 लाख रुपए, तो हमारी टुडे एट क्लिक है वो हमेशा क्या आएगी, लास्ट नंबर पर आएगी। तो ये चीजें जो है पैसे के आधार पर डिसाइड नहीं हो, ये चीजें जो है हमारे कंटेंट पे आधार पर डिसाइड हो, कि अगर हमारी कंटेंट अच्छी है, हमारी चीजें सब कुछ अच्छी चल रही है, लोग ज्यादा मेरी चीजों को चाहते हैं, तो वो जो है नंबर वन पर बने रहे। तो ये सारी चीजें जो है कोई उसको रेगुलेट नहीं करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। तो यही चीजें जो है हमारे फोन कॉल में भी होता है, यही चीजें हमारी नेट में भी होती है, क्योंकि नेट को मॉनिटर करने वाला कोई है नहीं इंडिया में, तो ऐसी नेट न्यूट्रलिटी की कॉन्सेप्ट आई थी कि यहां पर कोई इसे रेगुलेट नहीं कर सके। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।